हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपके शाम की चाय का स्वाद ज़बरदस्त कर देने वाली ये नमक पारे, परतों वाले नमक पारे। तो चलिए देखते हैं आज ये कैसे बनाई जाती है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति, स्वागत है आपका स्वाति रसोई में। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो पूरी को मैदा रख सकते हैं या फिर पूरा आप आटे से भी बना सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप दोनों तरह से इसमें कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी या मंगरेल जिसको कहते हैं वो, और 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ उसमें अजवाइन, और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 2-3 चम्मच तेल। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून कसूरी मेथी, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसे घिसकर मलकर हाथों से फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे ताकि मोयन जो है वो आटे के कोने कोने में चला जाए। इसे अच्छी तरह से हमें करना है ये, क्योंकि इस पूरे नमक पारे का टेस्ट ही इस पर डिपेंड करेगा कि आप उसे किस तरह से उसमें मोयन मिलाए हैं। और आपको अगर कम लगे इसमें तेल मोइन का, तब थोड़ा सा तेल 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है, मुझे देखने दीजिए पहले। तो ये मुझे मोइन इसमें कम नहीं लग रहा है। मुट्ठी बनाने से अगर ये इस तरह से बन जाती है, मतलब कि आपका इसमें ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल सही गई है। अब हम इसका डो बनाएंगे। डो के लिए नॉर्मल पानी लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें एक टाइट सा डो बनाना है, बहुत गीला डो हमें नहीं बनाना है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे, पानी आटे में डालेंगे और इसे इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें इसका एक टाइट सा डो बना लेना है। अब इसे हम आधे घंटे या नहीं, कम से कम 15-20 मिनट तो जरूर एक गीले कपड़े से ढक के इसे रख देंगे। तो मैं इसे गीले कपड़े से मिनिमम 15-20 मिनट ढक कर रख रही हूँ। जब तक हमारा डो रेस्ट पे है, हम इस बीच दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने इस बोल में 2 चम्मच आटा लिया है, अब मैदा भी इसकी जगह पे ले सकते हो। इसमें मैं डालूंगी 1-2 चम्मच, जब तक कि इसका एक पेस्ट ना बन जाए, उतना घी। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हो, मगर देखा ये गया है कि घी से अगर आप इस तरह का ये बनाओगे तो वो हमारे नमक पारों को बहुत ही खस्ता बनाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि घी ही डालना बेहतर रहेगा। तो इस तरह से हमें घी और आटे के साथ एक पेस्ट बनाना है। इसका क्या यूज़ होगा ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। 20 मिनट हो गई आटे को रेस्ट में छोड़े हुए। अब इसको हम कपड़ा हटाएंगे और इसे एक बार फिर अच्छे से थोड़ा सा इसे हाथों से यूँ मल लेंगे। तो ये हो गई हमारी डो रेडी। मैं इसे काउंटर टॉप पे ले आई हूँ। इस तरह से डो को मैं रेडी कर ली हूँ इसके ऊपर डाल के। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 या 4 इसके हिस्से करेंगे। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा।
तो ये चार हिस्से बन रहे हैं, तो हमने चार हिस्सा, ये थोड़ी छोटी हो गई है इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इस डो को बेलेंगे लंबा गोलाई में, जैसा आपको हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्मली हमें इसे बेलना है। तो ये हमने इसे बेल लिया। बेलने के बाद हमें क्या करना है, इस पे ये जो हमने घी और आटे का घोल बनाया था ना, ये उसके ऊपर में हम लगाएंगे। चम्मच से लगा लो, ब्रश से लगा लो, या चाहो तो आप हाथ से भी इसे लगा सकते हो। तो ये आप अच्छी तरह से, इस तरह से मैं हाथ लगा रही हूँ, उससे यूनिफॉर्मली ये स्प्रेड होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा। इस तरह से हम इसे कर लेंगे। इससे क्या होगी कि हमारे जो लेयर्स बनेंगे वो बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, और बहुत ही हमारे नमक पारे जो होंगे वो खस्ता बनेंगे। अब हम इसे इस तरह से रोल करना शुरू करेंगे। जितना पॉसिबल हो सके आपको, आप उसे टाइटली रोल कीजिए। इस तरह से ये रोल हो गया। अब हम इसे एक चाकू से छोटे 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 इस टाइप से काट लेंगे। अब हम इस तरह इसे हाथों से चिपटा करेंगे और यूं बेल लेंगे, जितना आप बेल सकते हो। इसी तरह से सभी को हम कर लेंगे, पहले हाथों से यूं कर लेंगे, फिर इसे पतला बेल लेंगे। अब जो हमने ये गोल बेला है, इसको पहले आप इस तरह से मोड़ लीजिए हाफ, एंड देन अगेन हाफ, 1/4 इसे बना लेना है, और हल्के से इसे आप यूं बेल लीजिए। या फिर दूसरी तरह से भी मोड़ सकते हैं, जैसे समोसे के लिए बनाते हैं ना, उस तरह से भी आप मोड़ चाहें तो मोड़ लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, इस तरह में लेयर्स ज़्यादा आएंगे इसलिए इस तरह से मोड़ना बेहतर होगा। तो इस तरह से करके हम सारे नमक पारों को बेल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे को तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में डाल के गैस पे। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तेल को हम बहुत अच्छी तरह गरम करेंगे, अच्छी से हीट आनी चाहिए इसकी। तो उतना गरम हो गया है। अब हम इसमें सारे अपने ट्रायंगल्स डाल रहे हैं। हमें इस समय में फ्लेम को लो टू मीडियम पे रख देंगे और फटाफट से सारे इसमें डाल देंगे। एक साल में बहुत सारे डाल देने हैं, जैसे हलवाई लोग छानते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल बिल्कुल तेल को भर देना है इन ट्रायंगल से। हमें इसे फ्राई करनी है मीडियम टू लो पे, बिल्कुल लो नहीं करेंगे, नहीं तो ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। इसे अच्छे से अंदर तक पकना भी ज़रूरी है, इसको ध्यान रखते हुए कभी कभी बीच में हम लो पे भी कर लेंगे। तो देखिए रेडी हो गए हैं, कितना अच्छा से ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये दूसरे बैच के भी नमक पारे रेडी हो गए हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स रेडी हो गई है हमारी ये परतों वाली नमक पारा। देखिए आपको क्या क्रंची बनी है और बहुत ही खास्ता बनी है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।